हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मिलते हैं फिर से बहुत ही प्यारे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। और आज आपके साथ एक ऐसा फर्टिलाइज़र सारे प्लांट्स के लिए, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स हों, चाहे वेजिटेबल्स हों, चाहे फ्रूट प्लांट हों, सबके लिए एक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र शेयर करने वाले हैं, जो 100% ऑर्गेनिक है। अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, हिबिस्कस के प्लांट में खास कर लोगों के क्वेश्चन है कि उनका प्लांट जो है फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो उसके लिए ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है। सारे पोषक तत्वों से भरपूर है ये फर्टिलाइज़र। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, टैनिन, सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जो कि एक प्लांट को फ्लावरिंग करने के लिए, अच्छे बीज बनाने के लिए, अच्छे फल बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त फर्टिलाइज़र है ये। तो आप इसको अपने घर में बना सकते हैं। घरेलू हींग और चाय की पत्ती से तैयार किया हुआ है ये फर्टिलाइज़र। कैसे काम करता है, कितनी कितनी मात्रा इसमें पाई जाती है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की, सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। और कैसे ग्रोथ करता है हमारे प्लांट की, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र है ये। ऐसा फर्टिलाइज़र जिसमें सारे पोषक तत्व मौजूद हैं। इसमें चाय की पत्ती के फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन 4% पाया जाता है, साथ में पोटेशियम की मात्रा जो है 0.25% पाई जाती है, और इसमें फास्फोरस 0.24% पाया जाता है। कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, टैनिन, फास्फोरस, हर चीज़ इसमें मौजूद है, जो कि एक प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन से हमारे प्लांट की लीव्स जो है, इनका कलर ग्रीन होता है, और ग्रीन कलर जो है उससे फोटोसिंथेसिस यानी कि इनके खाना बनाने की प्रक्रिया बहुत फास्ट हो जाती है, प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। फास्फोरस जो है हमारे प्लांट की रूट्स को, फाइबरस रूट्स को डेवलप करता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। क्योंकि आपको पता है, ये जब रूट्स हेल्दी होंगी तभी हमारा प्लांट हेल्दी होगा, बिना रूट्स हेल्दी हुए हमारा प्लांट हेल्दी नहीं होगा। और पोटेशियम जो है वो प्लांट में तब काम करता है जब इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, तब उसका काम शुरू होता है। फ्लावर्स का कलर बहुत सुंदर करता है, साथ में फ्लावर जो है उनका साइज बहुत बड़ा कर देता है। तो पोटेशियम का ये काम है कि फूलों का रंग अच्छा कर दे और साथ में फूलों का साइज बहुत बड़ा कर दे। तो आप ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को दे सकते हैं, बिल्कुल घर में तैयार होने वाला फ्री का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। साथ में टैनिन जो होता है इसमें पाया जाता है, वो प्लांट को बीमारियों से बचाता है, प्लांट को की जो इम्यूनिटी पावर है उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है, उनसे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा देता है। और साथ में प्लांट की रूट्स जो हैं उनकी जल धारण यानी कि प्लांट की रूट्स जो हैं वो पानी को अपने में रोक के रखती हैं, प्लांट जो है डिहाइड्रेट नहीं होता है। तो ये सारे प्लांट्स को फर्टिलाइज़र दिया जा सकता है, किसी भी प्लांट के लिए नुकसानदायक फर्टिलाइज़र नहीं है। आप इसको घर में बहुत आराम से तैयार कर सकते हैं। ये फल, फूल और सब्जियों के प्लांट में भी दिया जा सकता है ऐसा फर्टिलाइज़र। इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती। यूज्ड में उतनी पावर नहीं होती है उसमें से, क्योंकि थोड़े से पोषक तत्व निकल जाते हैं, इसलिए हमें फ्रेश 1 चम्मच चाय की पत्ती चाहिए और 0.5 लीटर पानी चाहिए। 0.5 लीटर पानी में आप चाय की पत्ती को अगर आप 15 घंटे के लिए भिगा कर रखेंगे तो उसका कलर जो है वो इस तरीके से हो जाएगा। देखिए, आप 1 चम्मच 0.5 लीटर पानी में चाय की पत्ती को भिगा के रखिए, वो अपने पूरे पोषक तत्व जो है 15 घंटे में छोड़ देगी पानी के अंदर चाय की पत्ती। और साथ में आपको इतनी हींग, 0.5 चम्मच हींग जो है आपको इसी पानी में मिक्स कर देनी है, और उसके बाद इस पानी को ढाँक कर रात भर के लिए रख देना है। हींग जो है इसमें एंटीबायोटिक, एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिससे कि प्लांट की रूट्स में फंगस अगर होता है तो वो बिल्कुल हट जाता है, पेस्ट का अटैक कम हो जाता है प्लांट पर। इसकी स्मेल से चींटियाँ भाग जाती हैं, अगर आपके प्लांट में चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो वो भी भाग जाती हैं। तो इसमें आप हींग और ये दोनों चीज़ें मिक्स करके अगर आप इसको रात भर के लिए छोड़ दीजिए 15 घंटे के लिए, 15 घंटे के बाद आप इस पानी में 1 लीटर पानी, 0.5 लीटर ये 1 चम्मच चाय की पत्ती से आप पानी तैयार करेंगे और हींग से, उसमें 1 लीटर पानी और मिक्स करिए, और जितनी भी आपके प्लांट की रिक्वायरमेंट हो उतना डाल दीजिए, जितना पानी सोख ले प्लांट आपकी मिट्टी उतना पानी डाल दीजिए। उसमें कोई भी नुकसान वाली बात नहीं है, कुछ भी नुकसानदायक चीज़ें नहीं है इसमें, 100% ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की खास बात होती है, अगर कम या ज़्यादा होता है तो कोई भी नुकसान नहीं होता है। देखिए, लैंटाना हमारा कितनी सुंदर फ्लावरिंग करता है, बार बार ये फ्लावरिंग करता है, इसको बस
हम ऊपर से ट्रिम कर देते हैं और फिर से ये तैयार हो जाता है। पूरे साल फ्लावरिंग करने वाला प्लांट लैंटाना बहुत ही खूबसूरत है। इसमें भी आप इस फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं, मधुमालती में दे सकते हैं, हिबिस्कस में दे सकते हैं, आप हर श्रृंगार में डाल दें, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में, चांदनी में डालिए, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में आप डालिए, आपके यहाँ फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। बहुत ही जल्दी इफ़ेक्टिव फर्टिलाइज़र है। उसके बाद आप इसको देखिए, जब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो प्लांट की सीधे रूट्स में जाता है, इसलिए आपको प्लांट की मिट्टी को ड्राई रखना होता है। और जब वैसे चाय की पत्ती ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ड्राई फर्टिलाइज़र काफ़ी देर में, स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है, काफ़ी देर में उसका असर दिखाई देता है, लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र का असर बहुत जल्दी दिखाई देता है। तो आप इस फर्टिलाइज़र को तैयार करके अपने प्लांट्स को दीजिए, प्लांट्स आपके बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग पर आ जाएंगे। आप स्टार्टिंग में अगर बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हो रही तो हफ्ते में एक बार दे सकते हैं, और वैसे अगर आपके प्लांट हल्की सी फ्लावरिंग कर रहे हैं तो आप 15 दिन में एक बार इस फर्टिलाइज़र को दीजिए, आपका प्लांट हेल्दी हो जाएगा और बहुत जल्दी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। अभी तक आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बहुत ही प्यारे खूबसूरत से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।